सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा इस सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल को दिन प्रतिदिन सबसे अच्छा सबसे प्रभावकारी बनाने की चेष्टा में एक विशिष्ट अभियान पर हूं और इस समय मैं आपके सामने एक ऐसी यक्षिणी का प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो यक्षिणी आपको धन संपन्न तो बनाती ही है, आपको लोगों में लोकप्रिय भी बनाती है। तो इस यक्षिणी का नाम है वश्यकरण यक्षिणी और इस वश्यकरण यक्षिणी के द्वारा आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं बताएंगे। इसके पहले आपको निवेदन है कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद में आप बेल का आइकन अर्थात घंटी का बटन भी दबा दें। जब उसमें आल लिखकर के आवे तो आल में ही आप टच करें जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और सुखद बात यह है कि आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, निशुल्क आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। और जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तुरंत हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो बात करते हैं इस वश्यकरण यक्षिणी के बारे में कि यह क्या है और कैसे सिद्ध की जाती है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहे हैं मेरे पास और आते रहते हैं, जिसमें लोग पूछते हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा बताइए, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है या मैं किसी को प्रभावित नहीं कर पाता हूँ, लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, व्यवसाय के क्षेत्र में हों या वह जनसंपर्क के क्षेत्र में हों या वो राजनीति के क्षेत्र में हूँ। लोगों का ये कहना होता है कि मैं प्रभाव नहीं डाल पाता हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताइए जैसे कि मैं प्रभाव डाल सकूँ। इसके अलावा और भी लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी ऐसा बताइए कि घर में झगड़ा लड़ाई हो रही है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, मैं सभी लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग प्रकार का, बिल्कुल ही बेकार प्रकार का व्यक्ति बन चुका हूँ और कोई मेरी बात नहीं मानता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। अब ऐसे में क्या, जैसे घर का मालिक है, मुखिया है, सबके लिए व्यवस्था करता है, पूरे घर को चलाता है और उसको ही कोई कुछ ना समझे तो उसका जीवन दुर्भर हो जाता है। नए बच्चे, उसके ही बच्चे कल को उसकी बात नहीं मानते, यहाँ तक कि बात ये आ जाती है कि बड़े बूढ़ों को लोग घर से भी निकाल देते हैं और अंत में उनको वृद्धाश्रम की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यह साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है जिससे कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं उसके आज्ञानुसार कार्य करते हैं और कम से कम अपमानित अवस्था तो प्राप्त नहीं होती। तो ये वश्यकरण यक्षिणी, इसकी साधना बताने जा रहा हूँ। तो इस जो वश्यकरण यक्षिणी है, इसकी साधना में आपको जो इसका मूल मंत्र है पहले उसको सिद्ध कर लेना चाहिए। यह मंत्र आपको दीक्षा के समय ही बताया जाएगा, वीडियो में हम कभी भी मंत्र की दीक्षा नहीं देते। तो इसकी विधिवत दीक्षा लेकर के इसको प्रत्यक्ष करने का, वैसे ज़रूरी नहीं कि इसको प्रत्यक्ष ही करें, इससे सिर्फ आप काम ले सकते हैं, प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं लेकिन काम ले सकते हैं। इसके योग्य आपको इसका जप करना चाहिए और इसका जप आपको, इसका
वशीकरण यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और ये जो यंत्र हैं पूर्णतया प्राण प्रतिष्ठित, और माला है वो संस्कारित माला, प्राण चैतन्य युक्त माला होनी चाहिए। इसमें आसन आपको लाल रंग का ऊनी आसन प्रयोग में करना चाहिए। साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि नित्य प्रति आप जो भोजन करते हैं, दिन में एक बार भोजन करना है, और उस भोजन में गरी का प्रयोग किसी न किसी रूप में कर लेना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना है, तेल का सेवन नहीं करना है। अभ्यंग मर्दन अर्थात आपको शरीर में तेल का लगाना उस समय ठीक नहीं है, और ये तो आप जानते हैं कि बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। पहले मंत्र को ग्रहण करें दीक्षा के द्वारा, तत्पश्चात उसके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार करें, जिससे कि मंत्र प्राण चेतना युक्त हो। मृतक मंत्र का जाप करना कोई भी लाभ नहीं देता है। मृतक मंत्र कौन होता है? ऐसे ही कोई मंत्र ले लिया और उस मंत्र को लेकर के बस बैठ गए कि इसको सिद्ध करना है, ऐसे कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। इसको मृत मंत्र की संज्ञा दी जाती है। अगर जीवित जागृत मंत्र है उसको फिर उसकी समुचित विधियों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो यह मंत्र अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध होता है, क्योंकि यह यक्षिणी मंत्र है और यक्षिणियाँ अपने साधक को निहाल कर ही देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा है कि आप केवल इस मंत्र को इस उद्देश्य से लेंगे कि इसके द्वारा आप अपने कार्यों को संपादित कर सकें और यक्षिणी आपको निहाल कर ही देंगी। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि आप उचित रीति से, उचित तरीके से जो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति के विकास का तरीका जानें, क्योंकि कोई भी मंत्र बिना कुंडलिनी शक्ति के विकास के प्रभावकारी सिद्ध नहीं होता। कहते हैं देखे देखा देखी चादे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग, अर्थात कोई भी योग करे तो उसको किसी जानकार व्यक्ति से सीखना चाहिए। इसी प्रकार से मंत्र प्रयोग भी जब करते हैं उनकी अगर उचित विधि आपको ज्ञात नहीं है तो निश्चित ही वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ नुकसान दे करके ही जाएगा। इसलिए इस मर्यादा को समझें और देखा देखी तो बिल्कुल ना करें। इस प्रकार से करने पर जब इसका मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध करने के तदुपरांत आप नारियल को हवन सामग्री में मिला करके, नारियल की छीलन आती है जो गरी का बुरादा जिसको बोलते हैं, या तो उससे हवन कर दें या हवन सामग्री में उसको मिला करके हवन कर दें। अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही उसको हवन करें। इस प्रकार से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हवन के बाद में दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, ब्राह्मण भोज, या इसमें जो चूंकि ये स्त्री तत्व की साधना है इसमें कन्या भोज करवा सकते हैं। ब्राह्मण भोज की जगह कन्या भोज करवा करके उन कन्याओं को, 11 कन्याओं को, कम से कम 11 कन्या लेनी चाहिए, उनके बाकायदे उनको दान दक्षिणा और उनके चरण धोकर के उनको बड़े अच्छे तरीके से भोजन इत्यादि करा करके संतुष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात उन देवियों से अर्थात उन कन्याओं से अपनी पीठ ठुकवा लेनी चाहिए और उनको ससम्मान विदा करना चाहिए। इसके बाद जब आपको जरूरत हो, आपको आवश्यकता हो किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, तो इसी मंत्र से आप जब जप करेंगे तो इसी मंत्र में, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सभी को ये वशीकरण करता है। इसमें इसका नाम लेकर के उस व्यक्ति का, और अगर आप पहले जप करेंगे फिर हवन कर देंगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। और याद रखें कि इसकी कोई काट नहीं है,
इसलिए सोच समझ करके ही इसका प्रयोग करें, यथासंभव जल्दी जल्दी इसका प्रयोग ना करें, सोच समझ करके ही इसका प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। और खेल के लिए या किसी के जीवन को खराब करने के लिए तो कतई इसका प्रयोग करें ही नहीं। अब बात आती है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता का मुंह नहीं देखा है तो उनको इस मंत्र में सर्वजन, सर्व स्त्री पुरुष इस प्रकार से नाम ले करके मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि उसका व्यवसाय बढ़े, लोग उसकी बात माने और उसको कहीं पराजय का मुख नहीं देखना पड़े। प्रिय मित्रों, इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय अध्यात्म विज्ञान, जय श्री